नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाही सैयद साहब, ये ANP सिंध प्रोविंस के सदर हैं। तो इनसे बात करते हैं जो सैलाब जिदगान हैं जो यहाँ आए हैं कराची में, और उनके हवाले से इनकी पार्टी की क्या पॉलिसी है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने का शाही सैयद साहब। ये बताइए कि और बहुत से मसाइल हैं कराची के, लेकिन फ़िलहाल हमने ये देखा कि कोई 30-40 हज़ार के करीब आए हैं सैलाब मुतासरीन, तो उनके हवाले से जो कैंप्स वैम्प्स हैं, आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है उस पर? ये खुदाई आफत है। मैं समझता हूँ कि इसमें एज ए इंसान काम करना चाहिए, और ज़ाहिर हम तो बादशाह खान के पैरोकार है, अदम तशद्दुद के खुदाई खिदमतगार तंजीम बादशाह खान उन्होंने चलाई थी उस वक्त। और हम तो ये कहते हैं कि पहले आदमी इंसान बने, बाद में फिर हिंदू मुसलमान जो बने। तो ज़ाहिर बात है ये जो वाक़ा हुआ तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे प्रोविंस पख्तूनख्वा खैबर में हुआ है, और चूँकि हमारे वहाँ पर यहाँ कराची में जो सिस्टम है, हमारी जो पार्टी कराची के जो लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पे कोई खान वडेरा तो नहीं, यहाँ पर तो वो लेबर थे हमारे पास पार्टियों में है, गरीब लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि पिछले दिनों जो टारगेट किलिंग कराची में हुआ है, तो हमने कैंपिंग नहीं लगाया डर की वजह से। अगर हम कैंप लगाएंगे तो उसमें किलिंग बड़ी आसानी से वाके को फायर करके हो। कैंप किसके लिए आप लगाते? हमारा दिल प्रोग्राम तो था कि हम कैंप लगाते पख्तूनख्वा के लिए, सिंध में जो मुतासर है IDPs के लिए, ये जो सिंधी जो आते उनके लिए हम खुद कैंप लगा के, और हम अपने पार्टी के बैनर से तले हम लोगों से मदद मांग करके करते, लेकिन ऐसा हम न कर सके। उसका मेन वजह ये था कि पिछले दिनों में जो किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग जो हो रही है, उसी में हमारी पार्टी को इस वक्त हिट कर रहा है। तो पिछले अगस्त के महीने में कम से कम 100 तक ये जो हमारे पार्टी के लोग या कारकुन या हमदर्द शहीद हो गए। तो इसी खतरे की वजह से के बजाय कैंप लगा के वो तो आसानी हो जाएगा। अलग कैंप नहीं लगा, तो हमने कैंप नहीं लगा, लेकिन हम फिर भी हमने अपनी पता आप लोगों से कोशिश करके, तो हमने पख्तूनख्वा सूबे के लिए भी अभी तक दिए नहीं है, लेकिन हमने तकरीबन 25 लाख रुपये का अतिया उसके लिए भी जमा किया, ताकि हम वहाँ पर भी जो ज़्यादा मुतासर ज़िले वहाँ उनसे भी रब्ता किया है, कोई पैकेज बनाए। और उसी तरीके से हमने बोला कि चूँकि यहाँ सिंध में हम आबाद है और ये हमारा मुल्क का हिस्सा है। अच्छा ये बताइए कि आपको आप ये सुन रहे हैं कि कहा जा रहा है कि और भी आ जाएंगे, जाहिर है लोग कराची में अगर ज़रूरत महसूस हुई जो सैलाब से मुतासरीन है, तो आपकी पार्टी इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ है, बिल्कुल शाना बशाना चल रही है उनकी इस पॉलिसी पे कि मुतासरीन आए तो उनको यहाँ सहूलत मिलनी चाहिए, उनको कैंप्स में जगह मिलनी चाहिए? ये तो इंसानियत ज़ाहिर बात है, अगर वो हमारे भाई है और इस मुल्क का, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूँ कि देखो कराची कैपिटल है सिंध का, ठीक है, और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और सिंध सिंधियों का है। बिल्कुल, हम पिशावर से दूसरी जगह प्रोविंस से आए हुए यहाँ बात है, हमें कोई नहीं, हम रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं, हमारे पास यहाँ पे अच्छे कारोबार भी लोगों के पास है। इसी तरीके से लोग बाहर से आए हुए, हिंदुस्तान से भी आए हुए, वो भी यहाँ सेट हो गए, उनके अब्बा अजदा ने कुर्बानियाँ दी है, वो यहाँ के सेट हो गए, उनका हक है, वो रह रहे। तो जब यहाँ पे बर्मी भी आ रहा है, जब अफगानिस्तान के भी इधर आ रहे हैं, जब पख्तूनख्वा से भी, पंजाब से, बलूचिस्तान से भी लोग आ रहे हैं, तो क्या सिंध का, सिंधी का क्या हक नहीं है? वो तो बिल्कुल आए, उसका हक है सरंगों पे। बल्कि मैंने तो यहाँ तक एक मैसेज दिया था कि लोगों को क्लियर करें कि हमारे बादशाह खान मरकज में 2-4 कमरे हैं, छत है, जो भी हमसे हो सके वहाँ पे आकर रहे तो भी मैं उसको ऑफर करता हूँ। अच्छा, आपने ऑफर किया, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि एक तरफ तो ये मुतासरीन जो आ रहे हैं, कहा जा रहा है 30 हज़ार आए हैं, 40 हज़ार आए हैं, लेकिन साथ साथ टारगेट किलिंग में बिल्कुल ये नहीं हुआ कि वो रुकी है, टारगेट किलिंग तो जारी है, तो ये क्या सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी? मुतासरीन भी आएंगे, टारगेट किलिंग भी जारी है, तो लोगों को मौका मिलेगा और टारगेट किलिंग की तरफ जाने को? नहीं, ये होता है कि 2007 से लेकर के मैं मुख्तलिफ अवकात में, मुख्तलिफ वक्तों में मैं क्लियर बातें कर करके तंग है। अब तो ये महीना हुआ या 20 दिन हो गए कि मैंने भी थोड़ा सा आप हाथ हल्का किया, उसकी वजह कि मेरा एक स्टेटमेंट से और आग लगेगा और बेगुनाह इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। लिहाजा ये कि मैं TV पर बात नहीं करता हूँ, मैं बोलता कम से कम लोगों अमन रखे, भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे। इस तरीके से क्यों ये जो किलिंग हो रही, कौन कर रहा है? बंदे अभी भी पकड़े गए, तानों में बैठे हुए हैं, वो बता रहा है कि मैंने कैसे किया, क्यों किया। हर दिन किसी न किसी माँ का बेटा उजड़ जाता है, वो कोई भी जुबान बोलने वाला हो, किसी भी मतलब से हो, मारा जाता है। तो ये हमारे चीफ जस्टिस साहब सुमोटो इशर क्यों नहीं लेता यहाँ पे? यहाँ अगस्त के महीने में 100 लोग शहीद हो गए, एक MPA रजा हैदर के बाद यहाँ पे 97 लोग और बेगुनाह शहीद हो गए। तो सुओ मोटो वो क्या लें, हुकूमत में आप बैठे हैं, MQM बैठी, पीपल्स पार्टी, वो सुओ मोटो, तो हम तो कहते चीफ जस्टिस साहब कुछ जरूरत से ज्यादा सुओ मोटो लेते हैं, वो सुओ मोटो से वो हुकूमत को जो करना चाहिए वो तो नहीं होगा, जो इदारों को करना चाहिए वो तो नहीं होगा? अभी आपकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आई, ये तो हुकूमत का काम है, ये चीफ जस्टिस क्या करेंगे इसमें?
ये तो देखो, ये जो लाहौर सियालकोट में हुआ, ये भी तो हुकूमत का काम था ना, मगर जब जुल्म बर्बरियत हुआ, तो मैं बोलूँ उससे ज़्यादा बर्बरियत ये कि हर महीने के साथ, पिछले हमारे पास होता था 2007 जुलाई में कुछ 40-50 लोग इनोसेंट मारे थे, मई के बाद, मई 2007 में, फिर 29 अप्रैल 2008 को 40-50 लोग मारे गए, लेकिन साल के हिसाब से होता था। अब जो है ना, आप तो लोग तो बेबसी देखें, जो आप बता रहे हैं फिगर्स बता रहे हैं वो तो हम बताएंगे, वो तो हमारा काम है। आप लोग तो हुकूमत में, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, या तो आप हथियार फेंक के आप बैठ जाएं, आप कहें जी हमसे नहीं होता, कोई और आके करे। देखो मसाला, अगर हमसे नहीं होता कोई और आके करे, तो फिर अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि आ जाए फौज, आ जाए। मैं वही बताता हूँ, देखो हम हुकूमत का हिस्सा है, सिंध सूबे में उनको हमारी जरूरत नहीं है, उनके अपने 105-110 पूरा है, हमारे 2 MP है, हमारे जाने आने से कोई हुकूमत नहीं गिरे ना खुद, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं पार्टी में रह करके भी ये कहता हूँ, हम इतिहादी रह के भी कहता है कि ये हुकूमत वक्त की जवाबदारी है, रहमान मलिक की जवाबदारी है, जुल्फ़कार मिर्ज़ा की जवाबदारी है, लेकिन जुल्फ़कार मिर्ज़ा की मजबूरी भी आपको बताता हूँ, मीडिया पर बताता हूँ, दुनिया को बताता हूँ, उसने ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दी, मेरे सामने, मैं इसका गवाह हूँ, उसने इतनी बड़ी फाइल दिखाई कि ये फाइल है, कौन टारगेट कर रहे हमें पता है, बताएं कौन है वो जो पकड़े गए अंदर बैठे हुए, कौन है, कहाँ बैठे हैं। अगर आप मुझसे कोई ये कमिटमेंट करे कि भाई फिर हम उसको पकड़ के और छोड़े नहीं जाएंगे, यहाँ रहमान मलिक आके वो छुड़ा लेता है, तो रहमान मलिक इसका मतलब पीपल्स पार्टी के लोग हैं जिनको वो छुड़वा रहे हैं, नहीं दूसरे लोग हैं, पार्टी के भी नहीं, पार्टी वाले के अपने लोग शहीद हो गए, तो किसकी पार्टी के लोग हैं जिनको छुड़वा रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लोगों को छुड़वा रहे हैं, आपकी पार्टी के लोगों को छुड़वा रहे हैं। मैंने इस वक्त कसम कहा कि मैं खामा खा नाम किसी का नहीं लूंगा। तो दो के बाद तीसरी पार्टी एमक्यूएम है, वो जो आप तजिए निकालो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मालूम है सबको कौन मरा, कहाँ मरा, किसने मारा, खुदा गवाह सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मसलहत, ताकि हमसे हुकूमत ना जाए, ताकि हमसे वजारत ना जाए, तो मैं तो भूल भूल के तक भी गया, और अभी भी मेरी इंशाल्लाह इतनी हिम्मत है कि मुझसे कोई कमिटमेंट करने वाला बात, सिर्फ बताने से मीडिया पे मैं 2007 से बता रहा हूँ क्या नतीजा आया, सिवाय इसकी कि आज मैं लोगों के नजर में बोल के शाही लोगों को लड़ाना चाहता है, लिसानी जंग चाहता है, पलाना चाहता है, वो जो MPA MLA का भाई है, थोड़े दिन पहले जी परवेज, मैं ये बोलता हूँ कि भाई जो अभी थोड़े दिन पहले जो हाल ही में बंदे मारे, वो उसका वास्ते पार्टी से नहीं देने का, यहाँ तो हमें तो जुबान की बुनियाद पर मारा जा रहा है, सबसे बड़ी बात भी यहाँ ANP के भी लोग मरते हैं, बहुत कम है, यहाँ पीपल पार्टी का पख्तून भी मारा गया, यहाँ जुमात इस्लामी का भी बंदा, JUI का भी मारा, यहाँ पे हर पार्टी का पख्तून मारा गया। मुझे जो तकलीफ है वो तो इस बात का है, और मैं तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो पख्तूनों के जो सारी पार्टियों के लीडर है, चाहे मौलाना फजल हमारे है, चाहे काजी हुसैन हमारे है, चाहे असपनी यारवली है, चाहे महमूद खाना चक जाए, चाहे शेरपा है, वो जाके जरदारी से बात करें, क्योंकि इस प्रोविंस की बात नहीं है, ये प्रोविंस वालों की बस से बाहर है, सुबह में ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह की मैंने देखो एक वजीर दाखिला का ये काम था कि उसे पूरी रिपोर्ट लाकर प्राइम मिनिस्टर को दिया, अब प्राइम मिनिस्टर का काम है कोई एक्शन की इजाजत दे, नहीं देता इजाजत, बोला नहीं आप जाते अखलाक बनाओ, कौन सी रिपोर्ट भाई, ये जो रिपोर्ट दी कि भाई कौन खिलर है, ये कहां से जो आई है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट, उसकी बात नहीं, इससे ये तो पहले आई थी, पहले ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हुआ था उनमें भी ये बात